अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में देखेंगे कि आप ऑटो कैड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस लेसन में हमने ऑटो कैड को डाउनलोड करना सीखा था कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आज के इस लेसन में हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। हाँ, देखते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल ऑटो कैड 2015। ऑटो कैड 2015 को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी कस्टम इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और आप इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, 3 ईयर के लिए आप इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। ओके, इसके लिए मेरे पास, मैंने जो ऑटो कैड डाउनलोड किया था तो मेरे पास यहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक सेटअप का फाइल फोल्डर आएगा। हमारे पास सेटअप एप्लीकेशन फाइल है, आपके पास टाइप जो फाइल किया वो एप्लीकेशन है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, यस आप ये इंस्टॉल होगा, तब ये सेटअप रन कर रहे हैं। आपने इसके सारे स्टेप जो हैं तो अपने गौर से देखने ताकि आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इंशाल्लाह हम कल से इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे और मीन अब नेक्स्ट लेसन से आप इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे। अब इंस्टॉल में आप इसे कस्टम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इंस्टॉल टूल एंड यूटिलिटीज पे क्लिक करके आप इसको कस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। कस्टम इंस्टॉलेशन में ये होता है कि इसमें कुछ अलग से और भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नेटवर्क लाइसेंस है, ऑटोडेस्क कैड मैनेजर टूल है, इस पर आप क्लिक करें। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं अनचेक कर लें इसको, अगर आप चाहते हैं नहीं ये भी हो तो आप इसको चेक कर लें। ऑटोडेस्क कॉन्टेक्ट है, इस पर आप क्लिक करके इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन देखें, मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस पे उसके अलावा क्रिएट डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम भी पाथ दे सकते हैं इसको। लेकिन मैं इसको बैक करता हूँ और मैं जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल के बाद आपने यहाँ पे देखें ये लाइसेंस एग्रीमेंट है आपके पास। आप इसको यहाँ से, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, आप जहाँ कहीं आप वो सेलेक्ट करें। पाकिस्तान के लिए पीएन प्रेस किया मैंने, पाकिस्तान आ गया। मैं क्लिक करता हूँ पाकिस्तान और इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट करूँगा। इंग्लिश ये स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन को आपने चेक रखना है और यहाँ पे आप देखें आपके पास सीरियल नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आप 30 डे ट्रायल पे आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास सीरियल नंबर आ गया होगा, आपने उस सीरियल नंबर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपने सीरियल नंबर देना है। तो सीरियल नंबर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे देखें सीरियल नंबर। अगर आपके पास ये सीरियल नंबर वाला फोल्डर नहीं है तो आपका सीरियल नंबर आपको आपके अकाउंट में, जिस तरह जो मैंने अकाउंट बनाया था, जिस अकाउंट में मेरा सीरियल नंबर पड़ा होता है वहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर होगा, आप वहाँ से सीरियल नंबर इसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएं और इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ओके। प्रोडक्ट की आप देते हैं, प्रोडक्ट की आप लिखें यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट, नेक्स्ट में करता हूँ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन में आपके ऑटोडेस्क कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ऑटोडेस्क रीकैप पे आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, चेक कर लें तो ये भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ऑटोडेस्क आपके पास इन्वेंटर है, इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं आपने इसको इंस्टॉल करना है, जिस इसको आप कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करें तो यहाँ से देखें इंस्टॉल होना आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, हम बस 18 of 19 रिमेनिंग है, मीन अभी हमारे पास जो है तो 19 रिमेनिंग है और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो लाइसेंस की है या प्रोडक्ट की है, ये प्रोडक्ट की आपने इस तरह करना है कि आपके पास आपने जो ईमेल दिया था जिससे आपने रजिस्टर्ड हुए थे प्रीवियस लेसन में हमने देखा था, तो वहाँ पे आपके जो ईमेल है, आपके ईमेल में आपको एक मैसेज आया होगा, इनकी तरफ से मेल आया होगा जिसमें आपको लाइसेंस की दी गई है। तो आप वहाँ से वो लाइसेंस की आपने देनी है और ताकि आपके पास इजीली इंस्टॉल हो जाए। कह रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल इन फ्यूचर, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्ट है तो आप इस पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसके जो कुछ फीचर हैं वो हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से नहीं है, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है।
आप यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मैं स्किप दिस इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये कंप्लीट जब तक आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, जब तक इंस्टॉल होता है जब आपका ऑटोकैड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मेरे पास ऑटोकैड इंस्टॉल हो गया, मैंने थोड़ी देर स्टॉप किया था अपनी वीडियो को ताकि आप ऑटोकैड जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको बताऊँ। तो ऑटोकैड में ये सारे सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क इलेक्ट्रिकल मीन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, एक्सचेंज ऐप मैनेजर, एक्सचेंज फीचर ऐप प्लग इन, ऑटोडेस्क ऑटोकैड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टूल, ऑटोडेस्क BIM 360, ऑटोडेस्क 360 और उसके अलावा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन मैनेजर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो गए। अब ये इंस्टॉल करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप नो, आप नो कर लें, मैनुअली रिस्टार्ट कर लें, या फिर आपका इंस्टॉल हो चुका है तो आप यस ही कर दें बेशक। और उसके बाद देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड इंस्टॉल हो चुके हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2015 आपके पास डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा और आपका स्टार्ट मेन्यू में भी आ जाएगा। तो मैंने डेस्कटॉप में सारा हाइड किया हुआ है इसलिए मेरे पास डेस्कटॉप पे सामने नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखना चाहें तो मैं व्यू में जाके मैं शो डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें तो अब मेरे पास ऑटोडेस्क 360 भी हो गया है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी हो गया, सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल हो गया। ओके तो यह था जी ऑटोकैड को इंस्टॉल करने का तरीका। तो आप अपने ऑटोकैड को इंस्टॉल करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ऑटोकैड में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।